मैं हूँ अमरीन, अमरीन कचने में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मजे का चने की चाट, जो कि खुद बहुत ज्यादा तीखी, बहुत ज्यादा चटपटी सी, बहुत ज्यादा मजे की, जो कि इफ्तार में आप बना सकते हो। बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। और जैसे कि मुझे जुकाम है और ये चाट बहुत ज्यादा वाली फ्लेवरफुल है, बहुत ज्यादा टेस्टी है। चलिए चलते हैं, बनाते हैं। सबसे पहले रमजान की बहुत बहुत मुबारकबाद आप सभी को। रमजान बहुत मुबारक हो और आप इसे इफ्तार में जरूर ट्राई करेगा, मुझे कमेंट में जरूर बताएगा। ये देखो गाइस, मैं बनाने जा रही हूँ चना चाट, जो कि बहुत ज़्यादा मज़े का बना है। बहुत यमी लग भी रहा है और यमी था भी टेस्ट वाइज भी, और बहुत अच्छा बना हुआ था। और रमज़ान के लिए तो बिल्कुल परफेक्ट है, सभी के घर में चना बनता है इफ्तारी में। चलिए चलते हैं, बनाते हैं। मैंने चने लिए हैं 2 कप, उसको बॉईल सोक करके रख दिया था 4 से 5 घंटे के लिए गुनगुने पानी में। और 4 से 5 घंटे बाद अच्छे से उसको 2 पानी से वॉश कर लिया है, उसको कुकर में पलट दिया है। और उसमें मैंने डाला है 1/2 चम्मच नमक, 1/4 चम्मच सोडा और 2 कप पानी। इसको डालने के बाद में मैंने वैसे लगा के रख दी थी, 4 से 5 सीटियाँ आई थी, हमारा ये चना बन के रेडी हो गया था 4 से 5 सीटियों में ही। और बहुत ज़्यादा मज़े का भी बना था ये चना। जब 4 से 5 सीटियाँ आ जाएंगी तब मैं इसको खोलूँगी थोड़ा सा ठंडा करने के बाद में, और जब तक सीटियाँ आ रही हैं तब तक आप प्रिपरेशन कर लोगे तो बहुत इजी हो जाएगा बनाना। और रमज़ान में तो बहुत कम टाइम होता है, उसमें सारी प्रिपरेशन करना पहले से ही करके रखो तभी जल्दी से बन पाता है। और ये हमारा ठंडा हो गया थोड़ा सा, अब मैंने इसको खोल लिया है, चेक किया है, हल्का देखिए बहुत मज़े का मतलब चना गल चुका है। अब मैं इसको साइड पे कर लूँगी, इसका पानी फेंकूँगी नहीं, पानी भी यूज़ करूँगी। मैंने एक कढ़ाई ली है, उसमें 2 बड़े चम्मच तेल गरम करने के लिए रख दिया था। जब तेल गरम हो गया तब मैंने डाला 1/4 चम्मच जीरा और फ्लेम को बंद कर दिया है, और 1 पिंच हींग, 1/2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। और इससे बहुत अच्छी महक आती है, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी फ्लेवर आ जाता है। और 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, और गैस को बंद ही रखना है, बंद गैस में जो भी तेल की गर्माइश है ना उसी में ये बन के रेडी हो जाएगा। और इसके बाद में जो हमारा बॉईल करा हुआ चना है विथ पानी उसमें डाल देंगे, डाल के अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और यहाँ पे फ्लेम को हाई कर देंगे। हाई फ्लेम पे इस पानी के साथ में चने को जब बनाएंगे ना तो इसमें का जो चना है बहुत ज़्यादा मज़े का बनेगा और इसमें सारा फ्लेवर्स इस चने में ही आ जाएगा। और मैंने यहाँ पे डाला है 3/4 चम्मच नमक, क्योंकि अभी डाला है, थोड़ा थोड़ा करके मैंने डाला था तो मैंने टोटल आपको मेजरमेंट यहाँ पे बताया है। 1/4 चम्मच काली मिर्ची का पाउडर और 1 बड़े चम्मच चाट मसाला पाउडर, 1 बड़े चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर। बहुत मज़े का इसका टेस्ट आता है। और चाट मसाला और मैंने बाद में भी डाला था, इसकी वजह से मैंने यहीं पर आपको टोटल मेजरमेंट बताया है। और मैंने इसमें इतना ही डाला था, बहुत ज़्यादा मज़े का बना था। और 2 बड़े चम्मच हरी मिर्ची थी, जिसको बिल्कुल बारीक बारीक मैंने चॉप कर लिया था। और 1 बड़े चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर, मैंने 1 बड़े चम्मच यहाँ पे नहीं, 1/2 चम्मच ही ऐड किया था, फिर उसके बाद में भी ऐड किया था, तो इसकी वजह से मैंने टोटल बताया आपको 1 बड़े चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और जब पानी थोड़ा सा कम हो जाएगा तब हरी मिर्ची डालेंगे, नहीं तो हरी मिर्ची इसमें घुल जाएगी। और फिर से यहाँ पे मैंने थोड़ा सा चाट मसाला और लाल मिर्ची पाउडर ऐड किया है, 1 बड़े चम्मच सोया सॉस ऐड किया है, इससे बहुत अच्छा मज़े का टेस्ट आ जाता है चाट में। और हमारी चाट ये ऑलमोस्ट बन के रेडी हो गई, ऑलमोस्ट क्या बिल्कुल बन के रेडी हो गई है। अब मैं यहाँ पे मैंने फ्लेम को एकदम बंद कर दिया है, मैं यहाँ पे ऐड कर लूँगी थोड़ा सा चॉप करा हुआ प्याज, और थोड़ा सा मैंने गार्निशिंग के लिए निकाल लिया था, मैंने 1/2 कप चॉप करा हुआ प्याज डाला है। और अच्छे से इसको पहले मिक्स मैं इसलिए कर रही थी कि मुझे लग रहा था प्याज कम हो जाएगी, इसके वजह से मैंने मिक्स किया तो मुझे ठीक लग रहा था। और 1 कप चॉप करा हुआ उबला हुआ आलू है, जिसको मैंने थोड़ा छोटे छोटे टुकड़ों में चॉप कर लिया है, और 1/2 कप टमाटर है जिसको थोड़ा सा टुकड़ों में चॉप कर लिया, और थोड़ा सा मैंने गार्निशिंग के लिए भी निकाल लिया था, थोड़ा सा हरा धनिया डाला है। डाल के अच्छे से इसको मिक्स करेंगे, बस उसके बाद सर्व कर लेंगे। बहुत है ना क्विक सा, बस आपको थोड़ा सा इंतज़ाम पहले से करना पड़ेगा और बहुत मज़े का बन के रेडी हो जाएगा। आप लोग लाजमी ट्राई करिएगा इफ्तारी में, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा मेरी वीडियो कैसी लगी, ये भी ज़रूर बताइएगा। और लाजमी लाजमी आप लोग इफ्तार में इसको ट्राई करिएगा, बहुत मज़ा आ जाएगा आपको इस खाने के बाद में। और इसमें कोई भी बहुत मसाला मैंने कोई पीस के नहीं डाला है, पर तभी भी देखो कितने मसाले वाला चना बन के रेडी हुआ है ना।
और मैं यहाँ पर टेस्ट कर रही थी कि मुझे अगर कुछ कम हो तो मैं यहाँ पर ऐड कर दूँ, पर बहुत मज़े का बना था, कुछ भी ऐड करने का नहीं था। तो बस उसके बाद मैंने सर्व कर दिया। हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे चैनल को। मिलते हैं आपको एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।